हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम सिर्फ सीटेट की बात करेंगे। सीटेट जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, 19 तारीख को फॉर्म आ जाएंगे, 18 सितंबर तक फॉर्म भरने हैं और 8 दिसंबर को इस साल के जाते हुए आखिरी महीने में आपका सीटेट का एग्जाम होगा। जिन बच्चों का सीटेट नहीं हुआ है या जो नहीं दे पाए थे या जिनको इंप्रूवमेंट करना है, जो भी है, अगर आपको दिसंबर वाले सीटेट को क्रैक करना है अच्छे तरीके से, अच्छे नंबरों से, तो फिर आपके लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। अगर सीटेट पास ही नहीं, अच्छे नंबरों से करना है, तो आप हमारे साथ वीडियो को देखिए। टारगेट हमारा 120 प्लस रहेगा, क्योंकि पिछले सीटेट में जो हमारे 360 बच्चों ने अच्छे नंबरों से क्रैक किया था, उसी तर्ज पर हम आने वाले बच्चों को भी उसी तरीके से पास करवाने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज सीटेट की पूरी डिटेल होगी और अगर आपको आने वाला सीटेट देना है तो आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को कहां मैसेज करना है और किस तरीके से आपके साथ संपर्क बना रहेगा और आप लोगों को सिलेक्शन तक ले जाया जाएगा सीटेट के साथ साथ आने वाले एग्जाम के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सीटेट जो है वो आप सभी जानते हैं कि सेंटर का एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बेस पर सेंटर लेवल की वैकेंसियां सारी भरी जाती हैं और उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी की वैकेंसीज हैं उनको भी फिल किया जाता है। ज्यादातर बच्चों को ये डाउट रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। ये मैं थोड़ी सी डिटेल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे तब तक जुड़ भी जाएंगे और जो मेन मुद्दे हैं जिनको आप लोगों को बार बार ना ढूंढना पड़े, वो सारी चीजें यहां पर मैं डिस्कस करने की एक बार कोशिश कर रहा हूं। जनरल पेपर, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे और आपके रिजर्वेशन वाले बच्चे, दोनों के लिए क्वालिफाइंग स्कोर बता रखा है। सीटेट अगर हो जाता है तो क्या करेंगे और सीटेट अगर पास नहीं हुआ है तो क्या नहीं कर सकते हैं, ये चीजें आपको दिख रही हैं। केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, आर्मी स्कूल हो, सभी यूनियन टेरिटरीज की और सेंटर सरकार की टीचिंग नौकरियां हो, सारी सीटेट के ऊपर बेस्ड होती है। एलिजिबल की बात अगर कहेंगे तो आप लोग एलिजिबल कब हैं, इसकी कंडीशंस आपको साथ साथ में दिखा दी जाती है नोटिफिकेशन में। अगर पेपर का पैटर्न देखेंगे तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये पीआरटी का पूरा पैटर्न है। इसके साथ ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका टीजीटी का पूरा पैटर्न है। इस पैटर्न के ऊपर आपका पूरे का पूरा पेपर डिजाइन किया जाता है। और जहां तक बात क्लास पीआरटी फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक की हो या फिर टीजीटी में सिक्स से एट तक की हो, आप लोग दोनों ही एग्जाम एक साथ भी दे सकते हैं। अगर बीएड किया है तो पीआरटी का और टीजीटी का दोनों दे सकते हैं, और अगर आपने बीएड नहीं किया है, सिर्फ एलिमेंट्री वाला लेवल पे किया है, तो आप पेपर वन दे सकते हैं। जहां तक बात रही पेपर वन के लिए, डाइट वाले बच्चे, जेबीटी वाले, ईटीटी वाले, बीटीसी वाले, ये पेपर वन देते हैं। और जहां तक पेपर टू की बात है, बीएड वाले और बीईआईईडी वाले बच्चे सिक्स से एट तक का टीजीटी देते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों बिल्कुल नहीं है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, पूजा मैम ने भी कई सारी वीडियोज आपके लिए डाली हैं। पेपर का जो तरीका रहेगा वो आपका एमसीक्यू रहेगा। वैलिडिटी जो आपके पासिंग जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे या फिर जिसको आप लोग सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट बोलते हो, उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 7 साल रहेगी और यह 7 साल आपके रिजल्ट के अनाउंस की डेट से काउंट किए जाते हैं। अटेम्प्ट की बात करेंगे तो कितने भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको यहां पर मिलते हैं। डीएमसी जो मार्कशीट जो है वो डिजी लॉकर में आती है, यह आप सभी जानते हैं। एज की कोई कंडीशन नहीं होती है, आप लोग अनलिमिटेड एज तक, बुढ़ापे तक आप इसको दे सकते हो, क्योंकि न सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में बल्कि इतने बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भी सीटेट की वैल्यू मानी जाती है। पढ़ने के लिए जहां तक बात है, सारी की सारी वीडियोज आप हमारी देख सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की हिंदी और इंग्लिश की बुकलेट हमारे पास आप लोगों को कंप्लीट मटेरियल में दी जाती है। हिंदी की पेडागोजी देख सकते हैं, इंग्लिश मैथ वाली देख सकते हैं, इंग्लिश की पेडागोजी, एसएसटी की पेडागोजी। और दोस्तों इसी के साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अगर आप लोग बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बड़े शहर में जाकर अपने घर पर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो बाई कोरियर हम घर पर पहुंचाते हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आप
आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ अपना नाम और आपको अपना सब्जेक्ट। सिर्फ सीटेट वाले बच्चे इसको करें, क्योंकि इसको मैं सीटेट के ब्रॉडकास्ट में सेव करूंगा और जो जो सीटेट की इंफॉर्मेशन होगी वो उन बच्चों के पास जाएगी। तो अगर आप लोगों को 8 दिसंबर 2019 वाला सीटेट आपको देना है तो सिर्फ आपको अपना नाम और अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब अगर आपका नाम जैसे राजेश है और सब्जेक्ट आपका टीजीटी में एसएसटी है या मैथ साइंस है तो वो लिखें, और अगर पीआरटी है तो सिर्फ राजेश और पीआरटी लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि जो डेली टेस्ट हमारे आते हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा और आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा आज कितने बजे कौन सी क्लास है। उसी के साथ साथ चाहे सभी सब्जेक्टों की पैडागोजी की हो, चाहे दूसरी वीडियोज हो, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जो भी जरूरी जानकारियां एक सिलेक्शन के लिए हैं वो सारी आपको समय समय पर दी जाती रहेंगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े, और जिस तरीके का पिछला रिजल्ट का आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 307 बच्चों के रिजल्ट की डिटेल पूरे नाम और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन तरीके से अगर आप लोग जुड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। आने वाला चाहे सीटेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सभी प्रकार के एग्जाम का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आप लोगों को आपके घर पर पहुंचाया जाता है और आप लोग घर बैठकर तैयारी कर सकें। सीटेट में हमारी सबसे खास बात यह है कि आपका सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट के साथ पैडागोजी होगी, जैसे हिंदी लैंग्वेज आपकी है तो हिंदी की पैडागोजी होगी, मैथ है मैथ की पैडागोजी होगी, इंग्लिश है इंग्लिश की पैडागोजी होगी, साइंस है साइंस की पैडागोजी होगी। और आप सभी जानते हैं सीटेट का 90 नंबर का जो मैटर है, 90 क्वेश्चन जो है वो पैडागोजिकल पोर्शन के ही होते हैं। तो पासिंग मार्क्स तो आपके हमारी बुकलेट यही दे रही है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आप सिर्फ अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर हमारे नंबर पर करें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।